नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम स्टाइल शीट का रिवीजन करेंगे। आपको पता है कि HTML के माध्यम से हम ये बताते हैं कि ब्राउजर किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। जो जो इंफॉर्मेशन हमने उसमें दी है, जो जो डेटा हमने दिया है, वो सब डिस्प्ले हो जाएगा, वो सब ब्राउजर में हमें दिखाई देगा। अब टैग्स के माध्यम से हम ये बताते हैं कि वह इंफॉर्मेशन कैसे दिखाई देगी, राइट? तो बेसिकली HTML का काम यही तो होता है कि हाउ टू डिस्प्ले डेटा, हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो टैग्स के माध्यम से हम बता देते हैं HTML यूज करके कि कैसे क्या चीज दिखनी है, टेबल में दिखानी है या इमेज दिखानी है या एक पैराग्राफ है या क्या है, है ना? अब जो स्टाइल शीट्स हैं, स्टाइल शीट्स में हम अलग अलग तरह के स्टाइल्स रूल लिख देते हैं और इनको ये किस पर अप्लाई होते हैं स्टाइल रूल्स, जो ये टैग्स हैं HTML के, इन पर हम अप्लाई कर देते हैं इनको। इससे क्या होता है कि जो टैग्स हैं इनकी ये किस तरह से बिहेव करें, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ ही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ इसका अलाइनमेंट कैसा हो, इसका बॉर्डर जो है वो अगर हमें कुछ लगाना है, बॉर्डर का कलर, टेक्स्ट का कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हम सिंपल भी बता सकते हैं HTML में। हमने P टैग लिखा और शुरू कर दिया कि फॉन्ट ये है, कलर ये है, लेकिन स्टाइल शीट्स हमें एक तरीका देती हैं ताकि हम स्टाइल्स रूल्स जो हैं वो डिफाइन कर सके। एक बार हमने स्टाइल शीट्स डिफाइन कर दी तो फिर हमारी जो पूरी वेबसाइट है इस पर अप्लाई हो जाएंगी, ये स्टाइल शीट हम इस पर इंक्लूड कर देंगे और ये सारी स्टाइल्स हमारे इन टैग्स पर अप्लाई हो जाएंगी, तो हमारी वेबसाइट की जो लुकिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो यही सब चीज़ें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि CSS क्या है। CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप जो HTML टैग्स हैं उन पर विभिन्न प्रकार की स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो ये जो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं इनमें हम लिखते हैं स्टाइल रूल्स डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई कलर कॉम्बिनेशन का स्टाइल बना दें, हम पी टैग के लिए कलर कॉम्बिनेशंस, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट्स, इसका एक स्टाइल बना दें, ऐसे अलग अलग स्टाइल्स हम बना सकते हैं। स्टाइल्स हम दो चीज़ों पर बना सकते हैं। ये जो स्टाइल रूल्स हैं इनको हम लिखेंगे टैग्स के लिए, जैसे कोई भी पर्टिकुलर टैग है उसके लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टाइल्स बना दी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम स्टाइल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइल क्लासेस क्रिएट करके एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम अलग 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 स्टाइल्स बता देंगे, राइट? अब ये वाली क्लास हमें किसी भी टैग पर अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। हमने कलर कॉम्बिनेशन है या अलाइनमेंट है या बॉर्डर है या जो पैडिंग बोलते हैं डिस्टेंस के, किसके बीच में क्या डिस्टेंस है, या कोई और किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमने ऐसे क्लास क्रिएट कर दी। इस क्लास को आप किसी भी टैग पर अप्लाई कर सकते हो, डाल सकते हो, राइट? तो ये क्लासेस, एक कोई पर्टिकुलर क्लास आपने बनाया वो किसी भी टैग पर अप्लाई किया जा सकता है। अब स्टाइल शीट बनाने का फायदा ये होता है कि अगर आप स्टाइल शीट्स 1, 2, 3 जो भी स्टाइल शीट्स आप बना के रख दें, इन स्टाइल शीट को आप अपने वेब पेजेस पर इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड करने से क्या होगा कि आपकी, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक स्टाइल शीट फॉलो कर ली
और वो आपने सभी वेब पेजेस में इंक्लूड कर दी, तो आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो भी आप फॉन्ट्स चाहते हैं, जो भी कलर कॉम्बिनेशंस चाहते हैं, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर्स या अलग अलग चीज़ें जो स्टाइल्स हैं अलग अलग, वो जो भी आप चाहते हैं वो पूरी वेबसाइट पर एक बार में अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको उसका जो डिस्प्ले हो रहा है ब्राउज़र पे आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो आप कोई दूसरी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, या जो आपने स्टाइल शीट CSS बनाई उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल शीट्स का बहुत फ़ायदा है, स्टाइल शीट्स के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट की लुकिंग को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? टैग्स जो हैं उन पर ये स्टाइल्स अप्लाई होती हैं, तो आप टैग्स के लिए स्टाइल बना सकते हैं, या फिर आप कुछ स्टाइल क्लासेस क्रिएट करके इन टैग्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो CSS है ये तीन तरह से, आपको पता है, लिखी जा सकती है। ये जो CSS है ये तीन तरह से लिखी जा सकती है। एक तो टैग में आप स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ दो, या दूसरा तरीका है कि आप स्टाइल टैग डिफाइन कर दो, राइट, और पूरे पेज के लिए। और तीसरा तरीका है कि आप CSS फाइल, कि आप CSS फाइल क्रिएट कर दो। ये तीन तरीके हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। बच्चों जैसे कि कोई भी मैं वेब पेज बना रही हूं, अब उसमें कोई टैग है, उस टैग की मुझे लुकिंग जो है चेंज करनी है। उस टैग में मुझे बताना है कि फॉन्ट ऐसा हो, फॉन्ट का साइज ये हो, बॉर्डर्स हो, या कलर्स क्या हो फॉन्ट के, वो सब चीज़ें बतानी है। तो उस टैग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है पी टैग होता है, तो पी टैग पर आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये स्टाइल एट्रीब्यूट किस पर लिखा जाता है, ये टैग पर लिखा जाता है। ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये टैग के साथ जोड़ा जाता है। कैसे लिखते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए P हम लिख रहे हैं, तो P स्टाइल इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में हम पूरी जो भी स्टाइल बतानी है वो बता देंगे डबल कोट्स बंद करके इस तरह से, फिर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा और लास्ट में P टैग क्लोज हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहती हूँ पैराग्राफ में जो फॉन्ट कलर है वो किसी पर्टिकुलर तरह का है, तो डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, कलर। या जैसे मुझे फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज कोलोन, मान लीजिए 24 पिक्सल देना है, PX सेमी कॉलन, हर एक एट्रीब्यूट के बाद सेमी कॉलन आएगा। फिर हमने लिखा कलर कोलोन, लेट्स से ब्लू हमें देना है ब्लू, इस तरह से ये चीज चलेगी। तो पी टैग यानी कि पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, अब उस पर आपने स्टाइल डाल दी कि फॉन्ट साइज ऐसा हो, कलर ये हो, और भी आपको जो भी प्रॉपर्टीज हमने बताई हुई हैं क्लास में पहले भी, वो सब आप यहाँ पर जो जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं, राइट? ये यहाँ पर डबल कोट्स खत्म कर दिए इसके, डबल कोट्स स्टाइल एट्रीब्यूट के। हमने पी टैग यहाँ पर पूरा हो गया, पैराग्राफ जो भी लिखना है वो लिखेंगे और पी टैग की क्लोजिंग दे देंगे। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स, जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसको काम में लेते हैं। अब यहाँ हमने पी लिखा है, इसको हम UL, OL, इमेज, राइट, हम टेबल बना रहे हैं, TR, TH, TD, LI, इन सब पे हम अप्लाई कर सकते हैं, सब पे, H1, H2, H3, ये सभी टैग्स पर अप्लाई हो जाएगा, राइट? तो आपको जो भी पर्टिकुलर टैग आप काम में ले रहे हैं उस पर कैसी क्या स्टाइल चाहिए, आप वो स्टाइल एट्रीब्यूट से बता सकते हैं। तो ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ये किस पर अप्लाई होता है, टैग पर। समझ आया?
है ना, तीन तरह से ये चीज काम में ली जाती है, तीन तरह से सीएसएस डिस्क्राइब करी जाती है, काम में ली जाती है। एक तो होता है टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ दो, दूसरा है स्टाइल टैग। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके में हम एक वेब पेज के लिए जब हमें कुछ स्टाइल्स बतानी है तो हम हेड पोर्शन के अंदर उस पेज के लिए स्टाइल्स डिफाइन कर देते हैं। पूरे पेज के लिए एक साथ अगर हम स्टाइल कुछ बताना चाहें तो वो बता सकते हैं हम स्टाइल टैग के अंदर, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं स्टाइल, ऐसे स्टाइल लिखते हैं स्टाइल टैग, और यहाँ पर सारी हमारी स्टाइल्स आ जाती हैं जो जो हमें बतानी है, उसके बाद स्टाइल टैग की क्लोजिंग ये हेड पोर्शन में देते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पेज की इंफॉर्मेशन है कि पेज की स्टाइल कैसी हो, पेज में कलर्स कैसे हो, बॉर्डर्स कैसे हो, अलाइनमेंट्स कैसे हो, ये सब हम स्टाइल टैग के अंदर बता देते हैं हेड के अंदर, राइट। और तीसरा तरीका है सीएसएस यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट फाइल क्रिएट कर देने का। तो ये तो हम लिखते हैं वेब पेज के लिए और पूरी वेबसाइट के लिए हम बना देते हैं सीएसएस फाइल। इस फाइल में एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट सीएसएस होता है, इस फाइल को सेव करते वक्त एक्सटेंशन दिया जाता है डॉट सीएसएस। अब ये फाइल बना दी जाती है अलग से और उसमें जितने भी आपके टैग्स हैं और उनके लिए आपको क्या स्टाइल्स चाहिए वो सब आप बता देते हैं, राइट। और ये सब बता देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सीएसएस बन गई। सीएसएस बनाने के बाद अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे सभी का कि कैसे क्या लिखते हैं। तो सीएसएस बन जाती है, अब इस सीएसएस को हम अपनी फाइल पर, मान लीजिए ये हमारी फाइल है HTML फाइल, ये मेरी HTML फाइल है, इस पर मैं क्या कर दूंगी, इंक्लूड अप्लाई कर दूंगी, राइट। हम एक सीएसएस अलग से सेपरेट फाइल बनाएंगे और उसको जिस भी वेब पेज पर हमें अप्लाई करना है हम उस पर इंक्लूड कर देंगे इसको, राइट। तो ये सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज जो जो हमने यहाँ डिफाइन करी है वो सब इस HTML फाइल पर अप्लाई हो जाएंगी। ये पूरा वेब पेज आपका, इसकी जो लुकिंग होगी वो किसके अनुसार होगी, इस सीएसएस के अनुसार होगी। अब इस सीएसएस में आप टैग्स पर क्लासेस क्रिएट करके जैसे आप मर्जी चाहें वैसे कर सकते हैं स्टाइल्स को डिफाइन, राइट। तो ये तीन तरीके समझ आते हैं, एक तो पहला है कि वेब पेज के अंदर ही जब किसी टैग को काम में लिया जाए तभी हम बता दें भाई ये स्टाइल रखनी है। दूसरा तरीका है कि पूरे वेब पेज के लिए हम स्टाइल डिफाइन कर दें, और तीसरा तरीका है पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम सीएसएस फाइल्स बना दें और जहां अप्लाई करनी है वहां अप्लाई कर दें HTML पेज पर, राइट। तो ये तीन तरीके हैं सीएसएस करने के। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम ताकि ये तीनों चीजें हमारे क्लियर हो जाएं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीजें करी जाती हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले इस कोड पर हम फोकस करेंगे, एक एक एग्जांपल देखेंगे डिटेल में।
यहाँ पर हमने पी टैग पर अप्लाई करा है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल में हमने एच टी एम एल ओपन किया, इसमें हेड ओपन किया और हेड के अंदर हमने टाइटल दे दिया। फिर हमने बॉडी टैग के अंदर एक पी टैग लिया है, हमने सिंपल इसमें एक चीज़ लिखी है हेलो यूज़र। और ये देखिए, यहाँ पर हमने स्टाइल अप्लाई करी है, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने कलर बता दिया ग्रीन, फॉन्ट साइज बता दिया, डबल कोट्स खत्म। हर एक प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं हम, सी एस एस प्रॉपर्टी, ये कलर, ये क्या है सी एस एस प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू हमने दी है ग्रीन। एक और सी एस एस प्रॉपर्टी हमने ली है फॉन्ट साइज, ये सी एस एस प्रॉपर्टी की लिस्ट मैंने आपको पहले दी थी, लिखवाई थी बोर्ड पर। आज हम और देखेंगे कितना कवर कर पाते हैं, सी एस एस प्रॉपर्टीज और देख लेंगे हम। और इसका हमने वैल्यू दिया है 24 पिक्सल, दो ही प्रॉपर्टी बता के हमने डबल कोट खत्म कर दिया, पैराग्राफ में हमने कुछ लिखा और पैराग्राफ क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग और यहाँ पर हमारे ये HTML की क्लोजिंग भी है, राइट। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट, हमारा पहला जो एग्जाम्पल था, पहला जो तरीका था CSS को काम में लेने के, इनलाइन स्टाइलिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, इनलाइन स्टाइल शीट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन स्टाइल शीट, जिसमें हम टैग पर ही, यानी कि टैग पर, या हम बोले HTML एलिमेंट पर बताते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन, इनलाइन मतलब कि जहां हमें देना है हम सीधे वहीं पर डिफाइन करेंगे। तो और दूसरे तरीके क्या है, एक है इंटरनल स्टाइल शीट, उसमें हम स्टाइल टैग काम में लेते हैं, और तीसरा तरीका हमने बताया एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जिसमें हम अलग से CSS फाइल जो है वो डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये हमारा इनलाइन स्टाइल शीट का एग्जाम्पल है, जो पहला हमने देखा था कि हम टैग पर ही एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब कर देंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम स्टाइल टैग बनाते हैं पूरे पेज के लिए, और एक एक्सटर्नल CSS जिसमें हम सेपरेट CSS फाइल बनाकर HTML पे अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये पहला तरीका जो हमने देखा था उसका एग्जाम्पल है। अभी और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, लेकिन अभी इस वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। We'll be right back.
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी पहला तरीका हमने देखा कि हम इनलाइन स्टाइल डिफाइन करते हैं। इनलाइन स्टाइल डिफाइन करना मतलब जो भी टैग है, पी टैग हो या यूएल, एलआई, टीआर, टीडी, कहीं पर भी आप स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ सकते हैं। ये वो एट्रीब्यूट है जो हर एक टैग में आपका काम करेगा, राइट? आपने कुछ एट्रीब्यूट सीखे हैं जो यूएल में लगते हैं, कुछ जो उसमें लगते हैं, उसमें नहीं लगते दूसरे टैग्स में। तो लेकिन स्टाइल एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आप किसी भी टैग में लगा सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, राइट? दूसरा तरीका है जब हम स्टाइल रूल्स जो हैं, ये जो इंटरनल स्टाइल शीट, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टाइल रूल्स जो लिखते हैं, ये किसके लिए लिखते हैं? स्टाइल रूल्स हम लिखते हैं फॉर सिंगल HTML फाइल, एक डॉक्यूमेंट के लिए, एक सिंगल HTML फाइल के लिए अगर हम स्टाइल्स बताना चाहते हैं तो हमें ये दूसरा तरीका इंटरनल स्टाइल शीट अपनाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम वेब पेज बना रहे हैं, हमने लिखा HTML, उसके बाद हमने हेड पोर्शन लिया और टाइटल वगैरह जो भी हमें देना है वो हम दे देंगे, राइट? तो पेज की इंफॉर्मेशन देते हैं हेड में, तो स्टाइल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए हमने लिखा स्टाइल, इसके आगे हम लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमें लिखना होगा टेक्स्ट स्लैश css, ऐसे लिखते हैं स्टाइल टैग को, राइट? अब इसमें जैसे हमें पी टैग के लिए या मान लीजिए हमें h1 के लिए स्टाइल लिखनी है, h1 लेट से हम कलर के लिए बताना चाहते हैं, हमने लिखा h1, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं कलर, और हमने लिखा ग्रीन, और हम क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्लास हमने क्रिएट करी, मान लीजिए क्लास का हमने नाम दे दिया रेड, और कर्ली ब्रेस, ये क्या है, डॉट लगा के जो हमने लिखा है ये क्लास का नाम है। एक क्लास मैंने आपको बताया था, हम टैग्स पर भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो सेपरेट क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने लिखा डॉट रेड और कर्ली ब्रेसेस में हमने यहाँ पर, अभी हम केवल एक 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 ही css प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कलर, एक बार हम ये कंसेप्ट समझ जाएं, इसलिए तो हमने कलर लिख दिया यहाँ पर रेड, इस तरह से। इसी तरह से एक और मान लीजिए हमने क्लास बना दी, लेट से टी एच के करके एक क्लास बना दी, और उसमें हमने दे दिया लेट से फॉन्ट साइज कोलोन 20 पिक्सल, ये हमने लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्टाइल टैग है इसको क्लोज कर देंगे, ये स्टाइल टैग यहां पर क्लोज हो गया, टाइटल टैग हमने क्लोज कर ही दिया था, यहां पर हमारा हेड टैग भी क्लोज हो जाएगा। ये देखिए हेड टैग क्लोज हो गया यहां पर। अब बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी टैग में जो भी हमें क्लास, यहां जो भी क्लासेस हैं उनको हमें अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए H1 हमने लिखा, हमने इसमें लिखा वेलकम, है ना? तो H1 पर हमने जो भी स्टाइल्स अप्लाई करी हैं वो अपने आप, H1 में जो भी होता है कि फॉन्ट साइज इतना, ये वो सब चीजें अप्लाई होंगी, साथ ही साथ इसका कलर अपने आप क्या आएगा, ग्रीन। इस पेज के लिए, इस पेज में आप जहां भी H1 अप्लाई करेंगे वहां फॉन्ट कलर ग्रीन आएगा, राइट? अब ये क्लासेस है, इन क्लासेस को आप किसी भी टैग पर यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पी पर करना है तो हमने लिखा पी, फिर हमने लिखा क्लास इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमें लिखना है रेड वाली काम में लेनी है तो रेड लिख दिया, इस तरह से यहां हमारा पैराग्राफ आ जाएगा और पी टैग क्लोज कर देंगे पैराग्राफ के बाद। क्या लिखा है हमने, पी टैग लगाया हमने, स्टार्ट किया, फिर हमने लिखा क्लास इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने क्लास का नाम दे दिया। अगर हमें ये THK वाली क्लास अप्लाई करनी होती तो हम उसका नाम दे देते, हमें रेड वाली करनी थी तो वो काम में ले ली। तो क्लासेस जो हैं, ये दो क्लासेस हमने बनाई हैं स्टाइल टैग में, तो इनको हम किसी भी टैग पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर यूएल लेने जा रहे हैं, यूएल
काम में। यहां भी आप इसको कर सकते हैं यूएल क्लास इक्वल्स टू रेड, या मान लीजिए थिक देनी है या जो भी कोई देनी है, एक क्लास को कई जगह इस्तेमाल करा जा सकता है। और एक क्लास में एक एट्रीब्यूट नहीं, कितने भी एट्रीब्यूट सेमी कॉलन लगा लगा के आप दे सकते हैं। तो एक क्लास के अंदर एक तरह की स्टाइल पूरी दे सकते हैं, बॉर्डर ऐसा, मार्जिन ऐसा, है ना, बॉर्डर कलर ऐसा, फॉन्ट का कलर ऐसा, बैकग्राउंड कलर इस तरह का, वो सब आप सेमी कॉलन लगा लगा के सीएसएस प्रॉपर्टीज एक क्लास में बता सकते हैं। ये एक क्लास है रेड, एक ये क्लास है टीएच के। कैसे क्लास को काम में लेते हैं, टैग के साथ हमने लिखा क्लास इक्वल्स टू डबल कोट में क्लास का नाम, तो वो क्लास में जो भी आपने स्टाइल बताई है वो सब अप्लाई हो जाएगी। और टैग पर करनी है तो टैग पर कर दीजिए इस तरह से। तो ये हमारा इंटरनल स्टाइल शीट वाला एग्जाम्पल हुआ। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी कि एक सेपरेट सीएसएस फाइल हम क्रिएट कर दें। तो वो और देख लेते हैं हम यहाँ पे उसका एग्जाम्पल। तो एक्सटर्नल सीएसएस में हम स्टाइल रूल्स बताते हैं किसके लिए, तो तीसरा तरीका है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस फाइल हम बनाएंगे। उस फाइल को हम एक नाम देंगे और डॉट सीएसएस से सेव करना होगा हमें उसको। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए एक फाइल हमने बनाई डॉट सीएसएस से, तो इसमें हम स्टाइल रूल्स लिखते हैं, स्टाइल रूल्स फॉर वेरियस वेब पेजेस। वहां पे हम क्या कर रहे थे, सेटिंग वाले में एक पर्टिकुलर पेज के लिए स्टाइल लिख रहे थे। इस सीएसएस को आप पूरी वेबसाइट के सभी पेजेस पर या कुछ चुनिंदा वेब पेजेस पर जैसे भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक करना पड़ता है एचटीएमएल फाइल को सीएसएस से, लिंक करना पड़ता है। अगर सभी में लिंक करेंगे सारे एचटीएमएल पेजेस में तो ये सीएसएस सभी एचटीएमएल पेजेस पर अप्लाई होगी, कुछ में करेंगे तो कुछ में होगी। कैसे लिखते हैं, जैसे कि अभी जो हमने ये स्टाइल्स लिखी, अगर हम एक अलग से फाइल बना दें, मान लीजिए ये एक अलग से फाइल हो गई, इसका नाम दे दिया हमने style.css। एक अलग से फाइल बनाएंगे और उसमें हम जैसे अभी हमने लिखा था क्लासेस बनानी है, जो भी कुछ करना है, या फिर जैसे कि H2 पर डिफाइन करना है, है ना, ये सारी चीजें जैसे हमने उधर TH के नाम से बनाई थी वो हम इस CSS में बना सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं हम। इस तरह से हम टैग्स पर या अलग अलग क्लासेस करके ये पूरी स्टाइल वाली फाइल बना देंगे। अब ये जो हमने स्टाइल्स बनाई हैं, इनको हमें किसी वेब पेज पर लिंक करना है, तो हमारी HTML फाइल पर कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम हेड में लिखेंगे, यहाँ पर जो भी हमें टाइटल एंड एटसेट्रा देना है हम दे सकते हैं। उसके अलावा हमको लिखना होगा लिंक REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट, डबल कोट्स में हमने लिखा REL यानी कि रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट। उसके आगे कंटिन्यूशन में हम लिखेंगे टाइप स्पेस देके टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS, और फिर कंटिन्यूशन में ही स्पेस देके हम लिखेंगे href इक्वल्स टू, इसमें हमारी CSS फाइल का पाथ और उसका नाम जो है पूरा वो आएगा। ये हमें लिखना है, तीन चीजें लिखनी है, लिंक
RL equals to style sheet, type equals to text slash CSS, HREF. HREF में हम बता रहे हैं कि किससे लिंक करना है हमें. हमारी फाइल का नाम था style.css, तो style.css. अब ये CSS और हमारी ये HTML फाइल एक ही फोल्डर में होनी चाहिए. अगर ये अलग अलग फोल्डर में है तो फिर हमें पाथ देना पड़ेगा. जैसे हम इमेजेस या अदर लिंकिंग करते वक्त देते हैं, वैसे आपको पाथ देना पड़ेगा. तो आप पाथ दे सकते हैं, बता सकते हैं, इस तरह से लिखा जाता है. अब ये टैग हमने दे दिया, उसके बाद आप हेड को क्लोज कर दीजिए. ये हेड टैग क्लोज हो गया और ये पूरी की पूरी CSS यहाँ पर अप्लाई हो गई. अब आप जो भी टैग यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर काम में लेंगे, उन सब पर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी. बिल्कुल जैसे आप इन लाइन में लेते आए थे, वैसे ही आप काम में ले सकते हैं. तो ये तीन तरीके हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इन लाइन. एक इंटरनल जिसमें कि हम स्टाइल टैग काम में ले रहे हैं, एक्सटर्नल CSS में हम एक अलग से CSS फाइल बनाकर लिंक कर रहे हैं. कैसे लिंक करते हैं? इस वेब पेज से लिंक कर दिया, इसको दूसरी बनाएंगे उसको भी कर सकते हैं, तीसरी में नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे, इस तरह से. जब भी लिंक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो भी यहाँ पे कुछ लिखा है यहाँ अप्लाई हो जाएगा. क्लास अगर आपको काम में लेनी है तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए H3 पर लगानी है ये, तो H3 क्लास इक्वल्स टू, क्लास का नाम क्या है डबल कोट्स में, रेड, राइट. तो वो जो भी चीजें आपने यहां बताई हैं वो सब अप्लाई हो जाएंगी. ये तरीका है तीनों का. अब ये जैसे अभी तो हमने कलर और फॉन्ट साइज, ये दो ही प्रॉपर्टीज काम में ली. जल्दी जल्दी हमने ये तीनों चीजें कवर करने के लिए, बाकी बहुत ढेर सारी CSS प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं. बैकग्राउंड कलर हमें देना है या हमें कुछ और अगर बताना है, तो अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज होती हैं. तो थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ. पहले भी हम एक पूरा लिस्ट जो है वो कवर कर चुके हैं. CSS प्रॉपर्टीज, CSS प्रॉपर्टीज में हम कलर्स के लिए, अलाइनमेंट्स के लिए अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज लेते हैं. जैसे कि अभी हमने सिंपल देखी कलर, अगर हमें फॉन्ट कलर बताना है, लेकिन अगर हमें कुछ मार्जिन्स देने हैं, कुछ और अगर हमें करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग हैं, राइट. जैसे लिस्ट के लिए वो अलग अलग तरह की CSS हमें उसके लिए अप्लाई करनी पड़ती है. जैसे कि हमने सिंपल देखी कलर, अगर हमें कलर अप्लाई करना है तो इसी तरह से अलाइनमेंट्स हमें करना है तो अलाइनमेंट के लिए भी हमारे पास है. मार्जिन्स देने हैं या कोई भी चीज़ें हमें करनी है उनके लिए हम दे सकते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर हमें देना होता है. इसी तरह से जैसे कलर है, बैकग्राउंड है, अगर हमें बैकग्राउंड बताना है कुछ, अगर हमें बैकग्राउंड कलर देना है तो हमें लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड डैश कलर. बैकग्राउंड इमेज हमें बतानी है तो उसके लिए बैकग्राउंड डैश इमेज, राइट. तो इसमें हम सब में कोलोन लगा लगा के इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन करते हैं. हमेशा कोलोन लगेगा इनमें, राइट. इसी तरह से बॉर्डर अगर हमें बताना है तो बॉर्डर, राइट. अगर हमें बॉर्डर का कलर वगैरह देना है तो बॉर्डर डैश कलर. वैसे तो हम इस बॉर्डर में ही तीनों चीजें चाहें तो बता सकते हैं. बॉर्डर की विड्थ, जैसे कि हमने विड्थ बता दी 5 पिक्सल, ठीक है. फिर कॉमा लगा के आप इसका स्टाइल है और कलर वो भी यहाँ पे बता सकते हो, और अगर आपको अलग से लेना है तो बॉर्डर कलर भी बता सकते हैं. ऐसे ही अगर हमें बॉर्डर का बॉटम या इमेज कुछ डालनी है तो वो चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स को
डिफाइन करा जा सकता है। उसके अलावा जैसे कि कलर, हमने कहा कि कलर हमें देना है कोई भी पर्टिकुलर, ये टेक्स्ट का जो कलर होता है उसके लिए हम बताते हैं, राइट। और फॉन्ट, फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारे हैं, फॉन्ट का साइज अगर हमें देना है तो फॉन्ट डैश साइज ये हम बताएंगे। और अगर हमें फॉन्ट बताना है तो F-O-N-T फॉन्ट केवल हम लिखेंगे। राइट अगर हमें फॉन्ट बताना है कौन सा तो फॉन्ट, और अगर हमें फॉन्ट का साइज बताना है तो फॉन्ट डैश साइज लिखेंगे। इसी तरह से फॉन्ट में तो हम सारा बता सकते हैं, अलग से केवल फॉन्ट की फैमिली बतानी है जैसे कि वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन, तो फॉन्ट डैश फैमिली ये हम काम में ले सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल अगर हमें बतानी है तो फॉन्ट डैश स्टाइल। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको डिफाइन करना होगा। जैसे आप इमेज बता रहे हैं तो इमेज की हाइट बताने के लिए आप हाइट वाला ले सकते हैं काम में। इसी तरह से जैसे लेटर्स के बीच में अगर आपको कोई स्पेसिंग चाहिए तो वो लेटर डैश स्पेसिंग, इसको आप पिक्सल में डिफाइन करेंगे, आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कोई लाइन आप बता रहे हैं उसकी हाइट आपको कंट्रोल करनी है, लाइन हाइट। लिस्ट की स्टाइल बताने के लिए लिस्ट डैश स्टाइल ये आप डिफाइन कर सकते हैं। मार्जिन अगर आपको देना है तो मार्जिन, जितने भी एक ही लाइन में आप सारी मार्जिन बता सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली लेफ्ट राइट बॉटम मार्जिन बताने हैं अलग अलग, तो मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ये सब आप बता सकते हैं ना। जैसे बॉटम लेफ्ट राइट ये आप लिख सकते हैं, मार्जिन डैश इस तरह से, राइट। तो बहुत तरह तरह की CSS प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने केवल कलर और फॉन्ट काम में लिया था, आप अलग अलग CSS जो है वो लिखिए, क्लासेस क्रिएट करिए, उनको अप्लाई करके देखिए। प्रैक्टिस आप करेंगे तो CSS में करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आप अपनी वेबसाइट को एक नया लुक दे सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।